नमस्कार, आप सबको हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स है, आपको पहले से ही पता है कि डिसेबिलिटी पेंशन का बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो तो आप फॉलो करते ही हैं, और साथ ही साथ जो है दो वेबसाइट भी मैं मैनेज करता हूँ, तीन वेबसाइट। हालांकि एक तो हो गया एक सर्विसमैन का रिलेटेड, जो कि आप जानते हैं कि www.esminfoclub.com। दूसरा है कैरियर का रिलेटेड, wbssc.in। और तीसरा एक वेबसाइट है, वो है माइंड एंड मेमोरी। क्योंकि मैं ये जॉब का साथ साथ माइंड एंड मेमोरी ट्रेनिंग, कैसे आपका बच्चों का मेमोरी पावर इंक्रीज हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, कोई भी किताब एक बार पढ़ के बच्चे जो है याद कर पाए, ऐसे टेक्निक वो भी मैं सिखाता हूँ। अगर इस बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा जो वेबसाइट है vikasde.com, ठीक है, आप गूगल में जाके सर्च करिएगा vikasde.com, vikashde.com। यहाँ पे जाने से आप जो है इसको जान पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं जो देखिए जो NANA केसेस का है, खास करके उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रहा है वो तो अच्छा है, अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे कुछ उपाय हमारे पास है, ठीक है, कि हर एक को डिसेबिलिटी पेंशन मिले। देखिए, मेरा एक मिशन है कि जो भी आप जो भी आर्म फोर्सेज में ज्वाइन किया था, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या फोर्स हो, जहाँ भी आप ज्वाइन किया था, सेफ वन में ज्वाइन किया था, उस समय आपके अंदर किसी भी टाइप का कोई डिसेबिलिटी नहीं था, तभी आपको आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने का मौका मिला है। ओके, तो जब आप रिटायर हो रहे हैं, चाहे आप प्रीमेच्योर रिटायर हो, चाहे आप मेडिकल एनुअलिंग करके रिटायर हो, या फिर आप सुपर एनुएशन में रिटायर हो रहे हैं, तो आप अगर डिसेबल कैटेगरी में रिटायर हो रहे हैं, यानी कि किसी डिसेबिलिटी का साथ आप फूल से बाहर आ रहे हैं, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। पर देखिए, ये जो प्रोविजंस है, ये जो प्रोविजंस मैं देख सकता हूँ, देखिए PCDA का ये जो साइट है, ठीक है, PCDA इलाहाबाद का, इसमें क्लियरली जो रूल्स बताया गया, और ये रूल्स आधारित है जो पेंशन रेगुलेशंस है आर्मी नेवी या एयरफोर्स सबके लिए, जो पेंशन रेगुलेशंस है उस पेंशन रेगुलेशंस के ऊपर ये आधारित है। और उसमें जो रूल्स बताया गया वो इस प्रकार है कि आपका जो डिसेबिलिटी है आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, ये फर्स्ट जो है क्राइटेरिया है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अदर देन इनवैलिडमेंट केस आपका डिसेबिलिटी 20% मिनिमम होना चाहिए, इन केस ऑफ इनवैलिडमेंट आपका 1% होगा तब भी वो माना जाएगा 50%, ठीक है। पर देखिए, ये जो बताया गया ये एक रूल्स है जो कि आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का पेंशन रेगुलेशन में दिया हुआ है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि आपका जो कैजुअल्टी पेंशनर्स रूल्स कुछ है जिसमें ये बताया गया कि किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी का साथ आप रिटायर हुए हैं तो आपको डिसेबिलिटी का कंपेंसेशन मिलेगा, यानी कि पेंशन कंपेंसेशन क्या है, आप रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन ही मिलेगा, है ना। तो देखिए, इस बात पर बहुत सारे कोर्ट केसेस फाइल हुआ है इंडिया में, जो हर एक जोन में, हर एक कमांड में एक एक आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल बनाया गया। इतने सारे डिसेबिलिटी केस था, पहले ये ट्राइब्यूनल नहीं था, लोग लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करते थे, कितने सारे पैसे खर्च होते थे लोगों का, तो वो सिस्टम अब खत्म हो गया। अब क्या है, इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ये सबका जॉइंटली एक आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल बनाया गया, यानी कि लॉयर कोर्ट बनाया गया, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसी टाइप का आर्म फोर्सेज का भी कोर्ट है डिपार्टमेंटल। जैसे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का कैट होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव का सेट होता है, ऐसे ही AFT हो गया आर्म फोर्सेज का कोर्ट है। तो वहां पे आप केस फाइल कर सकते हैं, आपसे पहले हजारों लोगों ने केस फाइल किया, और जितने भी लोगों का NANA था, यानी कि जिनका जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रिब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड था, उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दिया गया, और इस वजह से क्या है, उन लोगों ने फर्स्ट अपील किया, सेकंड अपील किया, उसके बाद भी नहीं मिला, फिर उन्होंने
जो है जुडिशियल का दरवाजा खटखटाया, यानी कि आप उस ट्राइब्यूनल में कोर्ट केस फाइल किया और फाइल करने के बाद उनको सबको मिल गया। ऐसे भी कुछ केसेस थे कि जब AFT ने ऑर्डर दे दिया पेमेंट करने के लिए, तो आर्म फोर्सेस ने क्या किया, शुरुआत में हुआ था ये केसेस, ठीक है, 2012-13 में ये हुआ था। उस समय क्या किया, आर्म फोर्सेस ने हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट तक गया वहाँ केसेस, और वहाँ जाके इनका जो है विरोध किया कि AFT का जो वर्डिक्ट है ये सही नहीं है बोल के विरोध किया, जवानों का अगेंस्ट में गया। पर फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखिए धर्मवीर का जो केस है, ठीक है, धर्मवीर सिंह वर्सेस UI, ये जो केसेस है इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें राय दे दिया। ये जो केस नंबर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये तो केस है जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुखविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस नंबर है 5604/2010, ठीक है, 2014 में इसका वर्डिक्ट आया था। और उसमें क्लियरली ये बताया गया कि कोई भी जवान जो सिर्फ वन में भर्ती होता है इंडियन आर्मी नेवी एयर फोर्स में, और जब रिटायर हो रहे हैं, अगर डिसेबिलिटी में रिटायर हो रहा है, तो उनका डिसेबिलिटी को आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फिर क्या हुआ, अगर आपका डिसेबिलिटी आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड माना जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आप जो आर्म फोर्सेस का रेगुलेशन है, पेंशन रेगुलेशन, उसके दायरे में आप आ गए, यानी कि आपका पेंशन मिलना तय है बिल्कुल, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को अभी तक ये चीज़ें पता नहीं होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग डरते हैं कि कैसे हम केस फाइल करेंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा। देखिए आप केस फाइल कर रहे हैं इसका मतलब आप किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, आपको जो फैसिलिटी नहीं मिला, जो बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए था। एक मिनट मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ कि आपका सर्विस 5 ईयर्स है और मेडिकल डिसेबिलिटी में आप है, ठीक है, ओके। देखिए 5 साल का जो सर्विस है आपका और आप डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं मिला, ऐसे केसेस जो होते हैं वो होगा आपका अगर डिसेबिलिटी NA केसेस है, ठीक है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, जिनका सर्विस 15 साल नहीं हुआ, कम सर्विस है और उनका NA है, यानी कि नाइदर एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीबेटेड, उनका केस में क्या होगा, ठीक है, वो इस बारे में हम बात करेंगे, ओके। पर पहले जो टॉपिक चल रहा था उसको जो है खत्म कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो कोर्ट केस फाइल करने का बहुत आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, क्या करना है, देखिए आपका केस रिजेक्ट हो गया, वो डॉक्यूमेंट आप रखिए, आपका AAMSA 15, यानी कि शुरुआत वाला जो डॉक्यूमेंट है आपका, जब फर्स्ट टाइम जो आप LMC हुआ था वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और RMB का डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका जब RMB हुआ था वो डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या चाहिए, आप जहाँ जहाँ सर्विस किया था, कौन से ट्रेन में आप पोस्टेड थे, वो चाहिए आपको, आपका और बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास है ही। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके आपका केस हिस्ट्री आप खुद लिखिए, आप कहाँ कहाँ सर्विस किया, कब सर्विस किया, आपका डिसेबिलिटी कैसे हुआ, रेज हुआ, ये सारी चीज़ें ब्रीफ हिस्ट्री बनाइए, अपने से आप बना सकते हैं, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री। अगर आप ये ब्रीफ हिस्ट्री का एक फॉर्मेट चाहते हैं, आप कमेंट करें इसमें, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट केस के लिए एक ब्रीफ हिस्ट्री बनाना पड़ता है, वो हिस्ट्री का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं अपना वेबसाइट ESMinfoClub.com वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये ब्रीफ हिस्ट्री का साथ और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया, इस डॉक्यूमेंट का भी लिस्ट मैं दे दूंगा उस वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें लेके आप किसी भी आपका जो नियरेस्ट AFT है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, वहाँ पे जाके किसी एडवोकेट से बात कीजिए, ठीक है, वहाँ पे बात कीजिए, एडवोकेट आपका केस ले लेंगे, और जो रेफरेंस देना होता है, देखिए एडवोकेट्स लोगों को भी पता नहीं होता कि कौन कौन सा रेफरेंस देना है, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड अपील रिगार्डिंग डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया, NA केस है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे, ओके। तो देखिए अभी जो भी आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, ये जब लेके देते हैं आप किसी एडवोकेट को AFT का, तो उनको थोड़ा रेफरेंस बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो केस अब तक जीत गया है, जिनका केस में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, ऐसे कुछ केसेस का रेफरेंस अगर आप दे पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये रेफरेंस भी हम आपको दे देंगे, एक मॉडल जो केस फाइलिंग है, ठीक है, किस तरह का केस फाइल करने से आपका जीतने का चांसेस 100% है, वो एक मॉडल आपको दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, आप कमेंट करें इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में, अगर आपको चाहिए तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो एनए हैं, और जिनका सर्विस 15 ईयर से नीचे है उनका केस में क्या होगा। देखिए, इस केस में दो चीज़ें हो सकता है। एक, अगर आप नॉर्मल मान लेते हैं कि आपका केस एनए है और आपको इनवैलिड पेंशन चाहिए, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या है? 10 ईयर से सर्विस कम है जिनको, 10 ईयर से 15 ईयर्स का बीच में जिनका सर्विस है, ध्यान रखिएगा 10 साल से लेकर के 15 साल का बीच में जिनका सर्विस है, वो उनका सर्विस डिसेबिलिटी अगर एनए है और वो रिटायर होते हैं, रिलीज होते हैं, तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। ठीक है, इनवैलिड पेंशन मिलेगा, श्योर मिलेगा, इसका प्रोविजन है। ठीक है, आर्म फोर्सेस का जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें प्रोविजन है, मिलेगा। और ये इनवैलिड पेंशन का अमाउंट कितना होता है? देखिए, आज आप अगर रिटायर करते हैं उस दिन, तो आपको सर्विस पेंशन जितना मिलना था उतना ही आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा, पर आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इनवैलिड पेंशन एंड डिसेबिलिटी पेंशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आपको आपका डिसेबिलिटी का कोई पेंशन नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो है इनवैलिड पेंशन। उसके लिए 10 साल से लेकर के 15 साल का बीच में आपका सर्विस होना चाहिए। अब आते हैं 10 साल से नीचे वाले का। मान लीजिए आपका सर्विस है 10 साल से कम, ठीक है, चाहे एक दिन का भी आपका सर्विस हो, और आपका केस एनए है, यानी कि आप नॉट अट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड है, उस केस में क्या होगा? देखिए, जो रूल्स कहता है, ठीक है, जो रूल्स कहता है कि 10 साल से नीचे वालों का 2019 से पहले तक का कोई किसी तरह का इनवैलिड पेंशन नहीं था, केवल मात्र इनवैलिड ग्रेच्युटी मिलता था। अब क्या हुआ है, ये जो लेटर रेफरेंस है, देखिए ये लेटर का डेट है 16 जुलाई 2020 का, ठीक है, 16 जुलाई 2020 का ये लेटर इशू हुआ है मिनिस्ट्री का तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW का जो लेटर है, उस लेटर में ये बताया गया 10 साल से नीचे वाले जो है जिनका सर्विस है और आपका डिसेबिलिटी एनए है, इस केस में भी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। पर इसमें कंडीशन रखा गया, कंडीशन क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो होना चाहिए क्या, फुल्ली इनकैपेसिटेटेड फॉर सिविल एंड मिलिट्री बोथ द सर्विस। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आपका जो डिसेबिलिटी हुआ है उस वजह से ना तो आप मिलिट्री के लिए फिट है, ठीक है, मिलिट्री के लिए, सिविल के लिए, दोनों के लिए अगर आप अनफिट है तभी आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। ये क्लॉज लागू है किसके लिए, बिलो 10 इयर्स के लिए। पर आप देखते हैं जब कोई रिटायर होता है तो वहां पे क्या लिखा रहता है, फिट फॉर सिविल सर्विस बट अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस। ऐसे होने से आपको इनवैलिड पेंशन नहीं मिलेगा अगर आपका सर्विस 10 साल से नीचे है। इसीलिए जो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो मेडिकल बोर्ड है, डॉक्टर ये लिखे कि यू आर फुल्ली इनकैपेसिटेटेड, अनफिट फॉर मिलिट्री एंड सिविल बोथ सर्विस। इसके लिए हमने जो है केस टेकअप किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कि पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, क्रेवा, कोलकाता रीएम्प्लॉयड सर्विसमैन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन से हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ केस टेकअप किया हुआ है 2020 में कि ये जो रूल्स है ये सरासर जो है गलत है। क्योंकि देखिए, जो सिविल में सर्विस कर रहा है उनके लिए केवल एक ही क्राइटेरिया है, वो अपने सर्विस में अगर अनफिट है तो उनकी इनवैलिड पेंशन मिलता है। पर फौज के लिए दो क्राइटेरिया क्यों रखा गया? फौज के लिए भी होना चाहिए कि वो जिस सर्विस में है उस सर्विस से वो निकाला जा रहा है क्योंकि वो सर्विस में अनफिट है, तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलना चाहिए। तो इस बात पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक्नोलेज किया और जो है उसमें केस टेकअप किया हुआ है, वो लोग इसमें सोच विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर भी एक पॉजिटिव कुछ आउटकम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कि आपका जो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या हमें वही रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, थोड़ा सा डाउट है आप लोगों में, है ना, बहुत लोगों में डाउट है। तो देखिए, मैं ये चीज़ आपको इंश्योर करता हूँ, कुछ केसेस का रेफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो रेफरेंस है यह है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, यहाँ का ओए नंबर 47/2017, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जो वर्डिक्ट मिला था 2017 18 अप्रैल को। इसमें क्लियरली बताया गया कि आप अगर सेफ वन में फौज में भर्ती हुए थे और रिटायर होते समय आप डिसेबल हैं, ठीक है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। यानी कैसे मिलेगा कि आपका डिसेबिलिटी को नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड नहीं बता सकते हैं। हाँ, अब देखिए ये कौन तय करता है कि आपका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल है या नहीं।
इसका पावर क्या है। आप कहेंगे कि मेरा एपीएमएस 15 में तो डॉक्टर ने लिख दिया। देखिए, डॉक्टर इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। आपका एट्रिब्यूटेबिलिटी फैक्टर्स डिसाइड करने के लिए डॉक्टर इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। ये बात शायद आपको पता नहीं होगा। जो जेसीओ द्वार है उनके लिए जो फाइनल अथॉरिटी होता है आपका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल एग्रीमेंटेड है या नहीं, ये डिसाइड करता है आपका रिकॉर्ड ऑफिस, सीआरओ, आपका जो चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, ठीक है। और कुछ वरिड जो रिकॉर्ड ऑफिस है, कर्नल रिकॉर्ड्स होता है, कर्नल रिकॉर्ड या सीआरओ आपका जो हेड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस है वो होता है फुल्ली ऑथोराइज टू डिसाइड इफ योर डिसेबिलिटी इज एट्रिब्यूटेबल और नॉट एग्रीमेंटेड और नॉट। कोई भी एक चीज़ अगर वो टिक कर देते हैं आपका एग्रीमेंटेड या एट्रिब्यूटेबल, तो क्या होगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। तो वो कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे, जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा, है ना, कोर्ट एएफटी जब बता देगा कि एएफटी जब आपका रिकॉर्ड्स को ऑर्डर भेजेगा कि इनका जो डिसेबिलिटी है ये एट्रिब्यूटेबल या एग्रीमेंटेड एक्सेप्ट किया जाए, तो आपका रिकॉर्ड ऑफिसर को करना ही पड़ेगा। और आपका रिकॉर्ड ऑफिसर एक बार उसको कर दिया एग्रीमेंटेड करके भेज दिया केसेस कहाँ, पीसीडीए को, तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद को ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप जब केस करेंगे, केस फाइल करेंगे, तो उसमें जो पार्टीज होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साथ साथ आपका रिकॉर्ड ऑफिस को पार्टी करना है और आपका पीसीडीए पेंशन, ठीक है, वो भी एक पार्टी होंगे, ठीक है। इसका डिटेल में हम फॉर्मेट में बता देंगे कि किसको किसको पार्टी करना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे, जो एक प्रोफॉर्मा ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन जो ओए कहते हैं, एएफटी में आपने जो केस फाइल करना है उसे ओए कहते हैं, तो एक ओए का फॉर्मेट हम अपलोड करेंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए अगर हेल्पफुल होगा तो मेरा ये मेहनत जो है सक्सेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, एक चीज का मैंने बात किया। दूसरा एक है कि ओए नंबर 1706 ऑफ 2018 स्क्वाड्रन लीडर वी के ठाकुर रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 10 मई 2019। ये केस है। इस केस में क्या था कि देखिए, कई लोगों का केस है कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो लेस देन 20%, 15-19%। देखिए, 15-19% अगर हो सकता है तो वो 20% भी हो सकता है, क्योंकि 1% कम या ज़्यादा डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया जिनका भी केस 15-19% है उनको 20% माना जाए। अगर आपका केस ऐसे है, डिसेबिलिटी आपका 15-19% लिखा हुआ है, तो आपका केस भी 20% माना जाएगा। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिनका केस एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड तो है पर लेस देन 20% है, इस वजह से आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है। पर आप ध्यान रखिए, अब से आपको भी मिलेगा। आप इस केस का रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों का कुछ क्वेरीज होगा कि इस बारे में और भी डिटेल में कुछ जानना होगा। अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, ठीक है। कैसे मेल करेंगे, देखिए, मेल करने का बहुत आसान सा तरीका है, हमारे जो वेबसाइट है आप उसमें जाइए, esminfoclub.com, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट आस पेज है। कौन सा पेज है, कॉन्टैक्ट आस पेज में, कॉन्टैक्ट आस पेज आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा वेबसाइट, आप वेबसाइट जब ओपन करेंगे बिल्कुल नीचे मिलेगा कॉन्टैक्ट आस, उसमें आप क्लिक करके, उसमें एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आपका नाम देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है और आपका जो क्वेरी है वो क्वेरी आप भेज दीजिए, तो वो क्वेरी सीधा मेरे पास पहुँच जाएगा। आपको ईमेल करने का भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सा सिस्टम मैंने रखा, क्योंकि आपके साथ हमारा इंटरेक्शन डायरेक्ट हो और जितना हो सके मेरे से आपको मैं सहायता कर सकूं, ठीक है। सो जो हम डिस्कस कर रहे थे, तीसरा केस है, ये केस है कि जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुखविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स सिविल अपील नंबर 5604 ऑफ 2010 डिसाइडेड ऑन 25 जून 2014। देखिए, इस केस में भी वही बताया गया कि आपका जो डिसेबिलिटी है वो किसी भी तरह नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीमेंटेड नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। कोई जवान जेसीओ या ऑफिसर्स जो भी हो, आप सेफ वन में फौज में आ रहे हैं और यहाँ रहते हुए आपका डिसेबिलिटी हो गया, चाहे वो आपका शुगर का बीमारी हो, आपका साइकेट्रिक का बीमारी हो, बीपी का बीमारी हो, किसी भी तरह का बीमारी हो,
देखिए आज का जो क्वेश्चन में मैंने देखा बहुत लोगों का जो स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बताया कि मेरा ये डिजीज है तो क्या मुझे मिलेगा। देखिए डिजीज क्या है, कौन सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका डिजीज चाहे ब्रोंकियल अस्थमा हो, बीपी हो, शुगर हो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और ऑर्थोपेडिक हो, किसी भी टाइप का कोई भी ओबेसिटी भी हो, तब भी आपका ये हुआ है, कब हुआ है, फौज में ज्वाइन करने का बाद हुआ है। तो जो बीमारी आपको लगा है फौज ज्वाइन करने के बाद, उसका जो रीजन है वो क्या है कि फौज का सर्विस है, ठीक है। अगर आप फौज में ना होते तो शायद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना था। इसलिए आपका किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी हो वो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा, और जब एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा तो क्या होगा, आपका जो केस ऑटोमेटिकली डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, जनरल रूटीन में नहीं देंगे, क्योंकि इस पर अभी तक जो है DSW मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अपना जो रेगुलेशंस है उसको नहीं सुधारा है, ठीक है। रेगुलेशन सुधारने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेगुलेशंस अब क्या सुधारना क्या है, रेगुलेशन नहीं सुधारना। रेगुलेशन में तो दिया हुआ है कि आपका केस अगर एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड होगा तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। सुधारना क्या है, वो सिस्टम सुधारना है जहाँ पे आपका मेडिकल बोर्ड आपको नॉट एट्रिब्यूटेबल लिखते हैं। अब उस सिस्टम में कुछ सुधारने की जरूरत है, यानी कि DGFMS का जो रूल्स है कि एट्रिब्यूटेबिलिटी कैसे विचार करें, उसको जो है एक बार डिसाइड कंसीडर करने का जरूरत है। यानी कि नॉट एट्रिब्यूटेबल, नॉट एग्रीवेटेड, वो कलम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ ये होना चाहिए इज इट एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड, या तो एट्रिब्यूटेबल होगा या तो एग्रीवेटेड होगा, दोनों नो नहीं हो सकता है। ये चीजें जो है होना चाहिए, ये एक जो है कंक्रीट रूल्स बनना चाहिए DSW का तरफ से, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का तरफ से। पर इसके लिए क्या जरूरत है, देखिए आप बिल्कुल, मैं आसान सा लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बच्चा जब तक नहीं रोते हैं तब तक जो है उनको दूध नहीं मिलता, तो आपको भी ऐसे ही आपका जो ग्रीवेंस है वो रेज करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट में ग्रीवेंस लॉन्च करें। PG पोर्टल आपके लिए खुला हुआ है, आप कभी भी PG पोर्टल में लॉगिन करें, ठीक है। गूगल में सर्च कीजिए PG पोर्टल, ओके, वहाँ लॉगिन करके आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये जो है ग्रीवेंस लॉन्च करें कि फौज पे रहते हुए जो डिसेबिलिटी हुआ है वो किसी भी तरह नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड नहीं होना चाहिए। आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड या फिर बोथ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रिक्रूट्स जो है, जो लोग रिटायर हुए हैं, बहुत लोग रिक्रूट से रिलीज हुए हैं, उन लोगों को बहुत लोगों को एक सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिला। पर आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरे वेबसाइट में बिल्कुल क्लियरली मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया लास्ट टाइम। आप मेरे वेबसाइट खुलिए ESMInfoClub.com और वहाँ जो सर्च कॉलम है वहाँ सर्च करके सिर्फ रिक्रूट टाइप कीजिए, ठीक है। रिक्रूट टाइप करने से वो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्लियरली मैंने बताया कि रिक्रूट को भी एक सर्विसमैन स्टेटस दिया गया, ठीक है। पहले क्या था कि 1/1/2006 से दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कोई भी रिक्रूट कभी भी रिटायर हुए हो, रिलीज हुए हो, वो उनको जो है स्टेटस मिलेगा। कौन सा स्टेटस, एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, ठीक है, जो मेडिकल ग्राउंड से रिटायर हुए और जिनका डिसेबिलिटी आइदर एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड है। और मान लीजिए आपका एट्रिब्यूटेबल एग्रीवेटेड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपने भी एक कोर्ट केस फाइल करना है, तो आपका जो डिसेबिलिटी वो एट्रिब्यूटेबल माना जाएगा, ठीक है। और आप सबको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, एक सर्विस पेंशन स्टेटस भी मिलेगा और आपको यह जीने का फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी कोर्ट केसेस का मैंने बात किया, ये सारी चीज़ें आपको मेरे जो वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा। आप ESMInfoClub में जाके डिसेबिलिटी सर्च कीजिए, ठीक है, इसे में ESMInfoClub.com वहाँ जाके जो सर्च बटन है वहाँ पे केवल मात्र डिसेबिलिटी लिखिए, तो देखिए सारे ऑर्डर सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो मैंने फॉर्मेट बताया वो तो मैं आपको दे दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है, आप कमेंट करें आपको चाहिए या नहीं। अच्छा, अब आते हैं कुछ लोगों का ये सवाल है कि मेरा सर्विस अभी तक 10 साल नहीं हुआ और मैं अनुलिंग देना चाहता हूँ। कौन सा अनुलिंग, कि सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, SC/RC में अनुलिंग देना है। आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट, यानी कि मैं फौज में और ज़्यादा सर्विस नहीं करना चाहता हूँ, तो इस केस में क्या मुझे पेंशन मिलेगा। देखिए एज पर एक्सटेंडेड रूल्स जो नॉर्मल वेज में है उसमें क्या है
कि आपका डिसेबिलिटी अगर एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है और आप कभी भी आप हो से मेडिकल इनवैलिड हो के रिटायर हो रहे हैं, आप अगर अनविलिंग देते हैं तो आप मेडिकल इनवैलिड ही है, ठीक है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ, कुछ रिकॉर्ड ऑफिस ने जो है अपने हिसाब से पता नहीं कौन सा रूल बना लिया जो कि पेंशन रेगुलेशंस में भी नहीं है, पीसीडीए का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ भी नहीं है। मैंने आरटीआई भी किया था पीसीडीए को, पीसीडीए ने मुझे क्लियरली बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वेबसाइट में है, वही फाइनल है, इसके अलावा कोई किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उनका जो वेबसाइट है वेबसाइट में कहीं नहीं ये लिखा कि आप अगर सिल्टार्ड अपॉइंटमेंट अनुलिंग करते हैं तो आपका केस जो है एट्रिब्यूटेबल एग्रीवेटेड होते हुए भी पेंशन नहीं मिलेगा, ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है, सो दैट आपको पेंशन मिलेगा। फिर भी अगर आप अपना जो भी सर्विसेज में है वहाँ का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर आरटीआई कीजिए और इस बात का जो है क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके, पर नॉर्मल रूल से ही है कि अगर आपका केस एट्रिब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है तो आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये जो केस है देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो भी दिया हुआ है उनका जो भार्डिक दिया हुआ है, धर्मवीर सिंह का जो भार्डिक था, ठीक है, 2013 का, तो ये सब में एक ही चीज़ बताया गया, ठीक है, एक ही चीज़ बताया गया कि आपका किसी भी तरह आपका जो डिसेबिलिटी है वो नॉट एट्रिब्यूटेबल नॉट एग्रीवेटेड नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया कि एफटी कोलकाता में कोई एडवोकेट है, ठीक है, अगर आपको किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करना है चाहे किसी भी एफटी का हो, नॉट ओनली कोलकाता, कोलकाता है, लखनऊ है, किसी भी दिल्ली का है, कोई भी एफटी का एडवोकेट का नंबर चाहिए तो आप हमारा जो कॉन्टैक्ट है ESM इन्फो क्लब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो है वो तो कर ही सकते हैं। और तो हम जो बात कर रहे थे कि चाहे केस कोई कैसा भी हो, मतलब कोई भी आपका बीमारी हो और आपका आप कभी भी रिटायर हुए हैं, कोई कुछ लोग हैं जो 2001 से पहले रिटायर हुए हैं, जो 95-96 में रिटायर हुए हैं, वो कहते हैं कि उस समय का रूल तो नहीं था तो कैसा होगा। देखिए, आप कभी भी रिटायर हुए हैं, आप फौज में ज्वाइन किए थे स्टेप वन में और रिटायर हुए डिसेबिलिटी में, तो आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो आर्म फोर्सेस का खुद का ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि मिलेगा, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, टाइम टू टाइम हमारा जो ये चैनल है ESM इन्फो क्लब चैनल है, और दूसरा ESM इन्फो क्लब का जो वेबसाइट है उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आपका जो काम का चीज़ है, जो वेलफेयर रिलेटेड चीज़ है। देखिए, मैं ये एक चीज़ गौर किया कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखा मैंने जो कि अवेलेबल है यूट्यूब में, वो फालतू का बकवास वहाँ पे बहुत है कि कौन सा अफसर का बीवी ने ये जवान को थप्पड़ मारा है। देखिए, ये सब चीज़ क्या है कि जवान को उसकाने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप में जिगर है तो आप जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए, ये फालतू का बातें फैलाने से कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है, ऑफिसर्स एंड जवान ये दोनों का बीच में क्या टसल तैयार होता है, एक मेंटल जो है एगोनी तैयार होता है, इससे किसी को कोई फायदा तो होगा नहीं। इसमें ना तो उस जवान को कोई फर्क पड़ेगा, ना अफसर्स को कोई फर्क पड़ेगा। आज तक अफसर्स को कोई फर्क पड़ा है? कुछ नहीं फर्क पड़ा है। अगर आपको कुछ करना है, मान लीजिए आपके ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप कोर्ट केस फाइल कीजिए, आप प्रोसेस ट्राइब्यूनल इसलिए बना हुआ है, ठीक है। आपके ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, किसी अफसर ने आपको किस अन्याय किया, तो इसके लिए ग्रीवेंस मैकेनिज्म का प्रॉपर सिस्टम है, इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों में प्रॉपर सिस्टम है। अगर मान लीजिए आपको जो सहायक वाला सिस्टम है मंजूर नहीं है, कोर्ट केस फाइल कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है। पर ये बेकार का बातें करना और यूट्यूब में ऐसे उसकाना भड़काना ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस टाइप का जो यूट्यूब चैनल को, इस टाइप का जो न्यूज़ है उससे आप दूर रहिए। जो आपका काम का चीज़ है, जिस चीज़ को जानने से आपको आगे जाके फ़ायदा होगा वो देखिए। इसलिए मैंने हमारा जो वेबसाइट शुरू किया, वहाँ पे हमारा वेबसाइट में देखिए आज का डेट में लगभग 60 आर्टिकल्स है, और वो सारे आर्टिकल्स आपका काम की चीज़ है, आपका बच्चों का जो ग्रोथ है, बच्चों का जो एडुकेशन है, कैरियर है, उसके रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप देखिए, ठीक है। तो ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि फालतू का ये जो बात है, फालतू का जो यूट्यूब में जो घूमता है, ठीक है, फालतू का चीज़ें, वो सब चीज़ पर आप बिल्कुल गौर मत कीजिए,
ठीक है। तो देखिए इसी तरह का मैंने जो सारी चीज़ें बताना था डिसेबिलिटी पेंशन का बारे में, वो लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो तुरंत आप दीजिए, अभी मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, आपने ज्योति शॉ ने क्वेश्चन किया कि लेटर कैसे मिलेगा। देखिए आपको किसी भी लेटर कहीं से अगर रिकॉर्ड से आपको ज़रूरत है तो आपको आरटीआई करना होगा, ठीक है। आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना होगा। अब ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना, मैंने देखा बहुत क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करेंगे। तो आपको मैं प्रमिस कर रहा हूँ, कल 15 अक्टूबर कल आपको ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करना है इस पर एक आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। और वो आर्टिकल बिल्कुल हिंदी में होगा। यस, मैं फर्स्ट टाइम जो है हिंदी में आर्टिकल पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो कल ये ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जो प्रोसेस है वो हिंदी में आर्टिकल आएगा और एक डिटेल में वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, डिसेबिलिटी सेंक्शन है या नॉट। अच्छा, ये ज्योति सॉ ने आपका, देखिए आपका क्वेश्चन मैं, ज्योति जी आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया कि डिसेबिलिटी सेंक्शन है या नहीं। देखिए शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो केस है उस केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा या नहीं। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताया, अगर उस रेगुलेशंस का अंडर में आपका जो क्राइटेरिया नहीं फॉल कर रहा है, यानी कि आप उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, तो आपको एएफटी का केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एएफटी का केस आपका एट्रिब्यूटेबल सॉरी तो आपका जो है एएफटी में केस फाइल करना पड़ेगा, और फाइल करते ही आपका डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, बाबूजी ने बताया कि आपका एट्रिब्यूटेबल और एग्रीवेटेड में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था, एक्चुअली मैं इसी का वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का कि आपकी तरफ से आए। देखिए एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एंड एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस, ये दोनों चीज में फर्क कितना ही है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज में जा रहे हैं, आप बक्सा और आर्म्स एम्युनिशन ये सब गाड़ी में लोड कर रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी में लोड करते समय एक बक्सा जो है नीचे गिर गया आपका पैर में और फ्रैक्चर हो गया। ओके, ये केस होगा एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। क्या होगा? एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है मिलिट्री सर्विस का साथ, ये जो कनेक्शन है बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, डायरेक्ट कनेक्शन बैठा सकते हैं। मेडिकल अफसर के लिए डायरेक्ट कनेक्शन बैठाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हो गया एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। ओके, अब आते हैं एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड क्या है? देखिए आप हल्टीट्यूड में सर्विस कर रहे हैं या पीस में सर्विस कर रहे हैं, आप दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं, बॉम्बे में सर्विस कर रहे हैं, कलकत्ता में सर्विस कर रहे हैं, कहीं भी सर्विस कर रहे हैं आप, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो गया, आपको शुगर का प्रॉब्लम हो गया, आपको हाइपरटेंशन हो गया, आपको ब्रंकियल अस्थमा हो गया, तो इसमें क्या है, आपका जो ये जो डिसेबिलिटी है इसका जो कॉज है डायरेक्ट आपका मिलिट्री सर्विस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन को जो है कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर आपका सर्विस का दौरान तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, सर्विस का वजह से हुआ है, इसको डायरेक्टली आप रिलेट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। मेडिकल अफसर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका कॉज मिलिट्री सर्विस है, पर ये ड्यूरिंग मिलिट्री सर्विस, सर्विस का दौरान हुआ है, इसीलिए ये जो डिसेबिलिटी है इसको माना जाएगा एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब देखिए एग्रीवेटेड हो या एट्रिब्यूटेबल हो, इससे डिसेबिलिटी पेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका डिसेबिलिटी या तो एट्रिब्यूटेबल हो या फिर एग्रीवेटेड हो, दोनों में से कोई भी हो तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बोर्ड ने आपको दे दिया तो वेल एंड गुड है, और कोर्ट ने भी आपको बता दिया कि आपका डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो आपको मिलेगा, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं शायद क्लियरली आपको समझा पाया हूँ। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अच्छा आपका कैटेगरी एलएनसी है, आरएमबी एक बार एट्रिब्यूटेबल एग्रीवेटेड में एक को यस किया। हाँ, देखिए किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका आरएमबी में किसी एक में यस किया और एक में नो किया, तो देखिए आपका एग्रीवेटेड हो या एट्रिब्यूटेबल हो, अगर कहीं भी एक में यस है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा एपी में 15 जो शुरुआत का था उसमें यस था एग्रीवेटेड में और बाद में नहीं है, तो इस केस में क्या है, आपको अपील करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार आरएमबी ने जो चीज़ें बता दिया उसको आप अपने से नहीं बदल सकते हैं,
इसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा और आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो ओरिजिन था वो एट्रिब्यूटेबल था, आपका शुरुआत का जो जो बोर्ड का पेपर है यानी कि AFMS 15 है उसमें एट्रिब्यूटेबल या एग्रीमेंटेड लिखा है। तो ये चीज़ रिकॉर्ड को अगर आप सबमिट करेंगे तो आपका जो RMB का रिव्यू होगा और आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, ठीक है। बैंक जॉब नोटिफिकेशन मेंशन एट्रिब्यूटेबल नॉट मेंशन एग्रीमेंटेड। हाँ देखिए, बैंक का जो जॉब है उसमें एक डिसेबल सोल्जर का क्राइटेरिया है, उसमें क्या है आपको एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए। डिसेबल सोल्जर का जो क्राइटेरिया IBPS का जो अभी नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो हमारा वेबसाइट WBSSC.in वहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप में से जो भी जो जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया और इसका जो डिटेल में आर्टिकल पब्लिश किया हमारा करियर जो वेबसाइट है WBSSC.in वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि डिसेबल सोल्जर का जो कोटा है वो आपको किसको मिलेगा, वो उनको मिलेगा जिनका डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, एग्रीमेंटेड उसमें नहीं बताया तो उनको ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब तक जो बात कर रहा था वो था रिलेटेड टू डिसेबिलिटी पेंशन, तो पेंशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए। एक जगह जो पॉइंट आउट किया आपने सही कि बैंक का सर्विस के लिए जो डिसेबल कोटा है वो जो है अवेल करने के लिए आपका जो डिसेबिलिटी है वो एट्रिब्यूटेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो मान लीजिए आपका बच्चों का जो एडमिशन के लिए MBBS एडमिशन के लिए आपको कोटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कोटा मिलता है बच्चों का MBBS का एडमिशन के लिए KSB का तरफ से, वहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है जो जेसू द्वार या अफसर कोई भी जो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, ठीक है, उनको प्रायोरिटी मिलता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होने का फ़ायदा आप ले सकते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए, ये जो सारे क्वेश्चंस है आपके साथ मैं जो इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ ये आप ही के वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो आपने आशीर्वाद किया और हमारे साथ जो आप कनेक्टेड है, तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखने से क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो मैं आप तक सीधा दे पाऊँगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। डिसेबिलिटी 10% है। देखिए, आपका किसी ने भी क्वेश्चन किया कि आपका डिसेबिलिटी 10% है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा या नहीं। देखिए, इसका एक फार्मूला है कि अगर आप इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस है तो आपका 1% भी डिसेबिलिटी होगा तो वो ब्रॉडबैंडिंग होगा। ब्रॉडबैंडिंग ये शुरू हुआ है 2001 से, ठीक है, कि आपका डिसेबिलिटी अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1% है और आप इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है वो 50% माना जाएगा और आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर क्राइटेरिया। अच्छा, साइकेट्री कैटेगरी के बारे में किसी ने पूछा है, सॉरी मैं बहुत देर से अटेंड नहीं कर पाया आपको। देखिए, साइकेट्री कैटेगरी जो है उसके लिए कोई अलग रूल नहीं है, जो भी रूल्स अभी तक जो भी चीज़ें बताया साइकेट्री के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, कोई अलग से रूल्स नहीं है। मैंने ये चीज़ बार बार बताया कि आपका बीमारी कोई भी हो, चाहे साइकेट्री हो या BP हो या आपका ब्रोंकियल अस्थमा हो, बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसेबिलिटी पेंशन का साथ आपका बीमारी का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है कि आपका एग्रीवेटेड है, एट्रिब्यूटेबल है और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। ओके, तो आपका कैटेगरी साइकेट्री है, इससे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर क्राइटेरिया।